मेरठ में आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ग्राम भगवानपुर में भगवानपुर इंडेन ग्रामीण वितरक एवं माननीय सांसद श्री विजयपाल सिंह तोमर जी द्वारा लगभग लाभार्थियों को 100 निःशुल्क गैस सिलेंडर व चूल्हा वितरण का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे गैस एजेंसी मालिक ठाकुर ऋषिपाल सिंह तोमर जी, कृष्ण कुमार तोमर, अनिल प्रधान, रजत तोमर, दीपक तोमर, प्रशांत तोमर, शुभम चौहान, रोहित तोमर आदि मौजूद रहे। सुमन तोमर, योगेश तोमर, सुमन तोमर है, सुमन तोमर जी। और 11 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया। 12 करोड़ का मतलब 60 करोड़ की जनसंख्या, 60 करोड़ की जनसंख्या को मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। 5 लाख तक का सालाना मुफ्त इलाज। प्रदेश सरकार अलग दे रही है आरोग्य योजना से, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, दोनों का फायदा होता है। हर घर में शौचालय, हर घर में गैस का कनेक्शन। अभी 9.5 करोड़ कनेक्शन दिए थे, एक बार पहले भी कार्यक्रम हुआ था। और 70 लाख कनेक्शन अब इस साल ही देने की योजना, जिसके ये कार्य चल रहे हैं, ताकि कोई गरीब ऐसा ना हो। हम तो देखते थे इन दिनों में, जब ये गन्ना कटता था, गन्ना स्नान से पहले कुछ कटता था, गेहूँ बोया जाएगा, तो जो गन्ने के झुंड थे नहीं, उनको सुखा के पीट पीट कर उसको जलाते, लकड़ी जलाते थे, कंडे जलाते थे। और बरसात में तो बहुत ही दिक्कत होती थी, धुएँ में सारे दिन फूकनी थे महिलाओं को दोपहरी में, जून के महीने में। इसकी चिंता प्रधानमंत्री ने करने का काम किया कि, और एक बात और बताना चाहता हूँ विशेष रूप से महिलाओं के लिए। अभी तो हमने कानून बनाया है पिछले सत्र में कि 33% महिलाओं को हर जगह स्थान मिलेगा। पहले क्या था, पहले महिलाओं के नाम मकान नहीं होते थे, जमीन जायदाद नहीं होती थी, पुरुष के नाम होते थे, महिला के नाम नहीं होते थे। अब ये आदेश कर दिया, महिलाओं का नाम शामिल रहेगा। और जो आवास बने प्रधानमंत्री आवास, उसमें तो 100 में से 69 महिलाओं के नाम। बहुत बढ़िया, 100 में 69। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।